आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरफ्लक्सिंग फिनोमेना ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए जैसे आप यहाँ पर बोर्ड में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर बनाया हुआ है। एज यू कैन सी ट्रांसफार्मर में बेसिकली इट्स हैविंग द टू मेन पार्ट, वी कैन से वन इज द कोर एंड सेकंड इज द वाइंडिंग। तो यहाँ पर जिस वाइंडिंग में हम सप्लाई दे रहे हैं उसको हमने बोला हुआ है द प्राइमरी साइड, और जिस साइड से हम लोड लेंगे उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी साइड, राइट। सो हियर आई हैव गिवन द सप्लाई वोल्टेज V1 एंड दिस करंट इज IMU इज फ्लोइंग हियर इन द प्राइमरी साइड, और ये जो IMU करंट है इसकी वजह से ट्रांसफार्मर कोल में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स जो है सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस फ्लक्स सेटअप होने की वजह से ट्रांसफार्मर कोर में यहाँ पर EMF जो है वो इंड्यूस होगा, और जो इंड्यूस EMF हो रहा है उस इंड्यूस EMF के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये जो इंड्यूस EMF ऑकरेंस हो रहा है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी साइड पे, हाउ दिस इंड्यूस EMF आर गोइंग टू लैग्स बिहाइंड द फ्लक्स। ये जो इंड्यूस EMF है ये इस फ्लक्स से कैसे यहाँ पर लैग कर रहा है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन होता है, इफ आई राइट द ट्रांसफार्मर EMF इक्वेशन, सो दिस इज गिवन एज द E इक्वल टू 4.44, आई कैन राइट दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स। सो इफ आई एम राइटिंग द इंड्यूस्ड EMF फॉर द प्राइमरी साइड, सो राइट दिस इज द E1 4.44, फ्लक्स विल बी मैक्स, ओके, फ्रीक्वेंसीज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दिस द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी N1। सो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF फॉर द प्राइमरी साइड, यू कैन से दिस इज द इंड्यूस्ड EMF फॉर द प्राइमरी साइड, एंड वी कैन ऑल्सो राइट द इंड्यूस्ड EMF फॉर द सेकेंडरी साइड, दिस इज गिवेन एज द 4.44, दिस इज गिवेन एज द 5 max फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स दिस इज गिवेन एज द N2, ओके। सो वी कैन राइट दिस इज द इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी साइड। अब आप यहां पर देखिए, नाउ एज द फ्लक्स आई कैन राइट द 5 max आई कैन राइट दिस इज गिवन एज द B max या B max BM आई कैन राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, एंड ऑल्सो आई कैन राइट हियर द AN एनी इज कॉल्ड द नेट एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। सो इफ आई विल पुट दिस वैल्यू इन दिस ट्रांसफार्मर इक्वेशन, assume that I'll put this value in the transformer equation of the primary side, to ye jo hoga hum isko likhenge E1 equal to this become the 4.44 5 max, right, this become the frequency f, this is the N1, so I'll put here the 4.44 5 max ki jagah par hum put karenge, yahan par we'll put the BM into AN, here flux frequency number of turns is N1, so we can write this become the E1, and also from here we can write the E1 by F is equal to, we can write this is the BM, this is the BM, and if we neglect the primary impedance drop, so we can write V1 by F equal to what, this is BM, okay. So we can write the V1 by F is equal to what, BM, right. Now assume a condition, assume the condition here that if the supply voltage is constant, if the supply voltage is what, supply voltage is constant, okay, and the frequency is reduced, right. So we can see here that if this frequency, the voltage is constant, so we can say here I can write this V1F here, this is the BM, so we can say if this supply voltage is constant, if the supply voltage is constant and frequency is reducing, so you can see if the frequency reducing here, so the maximum flux density is going to be more, okay. So it takes the transformer into deep saturation, so we can say if I'll draw from the BH curve of this transformer core, or you can say the metallization characteristics,
the magnetization curve, I can write here, this is given as the I mu. So this transformer is goes into, we can say, in a deep saturation, because the applied voltage is constant and frequency is what reducing. Okay, so this takes the transformer into a deep saturation, or I can explain it by taking the flux. So also I can write here the V1 by F, we can write in terms of the flux, right? So now see here, if this voltage is constant, if this voltage is constant and frequency is what reducing, so the what the flux is going to be increasing. तो यदि यहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो जो डिमांडेड फ्लक्स है ट्रांसफार्मर कोर में उसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर से इंक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी यहां पे कम हो रही है, तो जितनी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी उतना फ्लक्स ट्रांसफार्मर कोर में प्रोवाइड करने के लिए हमको जो IMU होगा वो भी क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा टू प्रोवाइड दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर फ्लक्स. Okay, so this takes the transformer into the deep saturation. Okay, so we can say because the voltage is constant and frequency reducing, so this takes the transformer into deep saturation and increasing the amount of the flux. Okay, so this phenomena, this complete phenomena is called the overfluxing phenomena of the transformer. So this is called the, overfluxing phenomena. So this is called the overfluxing phenomena of the transformer core, and which is undesirable. Why? Because this, if the IMU amount is going to be increasing and applied voltage is constant and frequency is reducing, so it's also affect the power factor, and so we can say the power factor will also deteriorate. So power factor is going to be reducing. So this is, which is undesirable. So that's why this phenomena is not desirable for the operation of the transformer core. So it has to be avoided. So to avoid this overfluxing phenomena, if this frequency is reducing, so also we have to reduce the voltage in the same proportion of the frequency reducing to maintain this flux constant. अब ध्यान सुनिएगा फिर से, क्योंकि ये जो ओवरफ्लक्सिंग फिनोमिना है ये ट्रांसफार्मर ऑपरेशन के लिए अनडिजायरेबल है, इसीलिए यदि वोल्टेज कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इस फिनोमिना को अवॉइड करने के लिए जिस रेशियो से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में वोल्टेज क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे, तो जो वी बाई एफ रेशियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वी बाई एफ रेशियो इज मेंटेन कॉन्स्टेंट, सो फ्लक्स मेंटेन कॉन्स्टेंट, एंड बिकॉज फ्लक्स कॉन्स्टेंट, so as we know transformer is called the constant flux machine, so transformer will work in a proper way from no load to the full load condition. Okay, so this is the overall explanation of the overfluxing phenomena of the transformer core. I hope you will get about this point. This is very important concept, especially आप बोल सकते हैं transformer को यदि हम लोग यहाँ पे एक deep way में discuss करते हैं, this topic is very important. Okay, so I hope आपको topic समझ में आया होगा. यदि कहीं पर भी आपको doubt होता है आप comment box पे mention कीजिए, I will reply you as soon as possible. Okay, so thank you very much.